नामांकन दाखिल करने के लिए कलेक्ट्रेट पहुंचे। इस दौरान कार्यकर्ताओं की भारी भीड़ भी उनके साथ नजर आई। जिनके बीच से रास्ता बनाते हुए दिग्विजय सिंह अपनी पत्नी और दूसरे लोगों के साथ कलेक्ट्रेट पहुंचे और अपना पर्चा दाखिल किया। इस दौरान उनके साथ मौजूद कार्यकर्ता भी जोश से भरे नजर आए। जो है भोपाल की सीट है, बीजेपी का किला मानी जाती है, लेकिन अब ये अहम सवाल है कि प्रज्ञा ठाकुर बीजेपी के उस किले को बचा कर रख पाएंगी। पर्चा दाखिल करने के बाद दिग्विजय सिंह ने हिंदू आतंकवाद के मुद्दे पर अमित शाह पर निशाना साधा और बीजेपी पर दोहरा रवैया अपनाने का आरोप लगाया। जिस व्यक्ति ने हिंदू टेरर का एज ऑफिशियल होम सेक्रेटरी के रूप में उसने बयान दिया, उसको बीजेपी ने केंद्रीय मंत्रिमंडल में मंत्री बनाया। बीजेपी ने साध्वी प्रज्ञा को दिग्विजय सिंह के खिलाफ चुनावी मैदान में उतारा है, जिसके बाद से ही इस सीट पर सबकी निगाहें टिकी हैं। एनडी तिवारी के बेटे रोहित शेखर की मौत के मामले में दिल्ली पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर लिया है। सूत्रों के मुताबिक पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद पुलिस को परिवार के सदस्यों पर ही रोहित शेखर की हत्या करने का शक था, जिसकी वजह से दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच के अधिकारी रोहित शेखर के डिफेंस कॉलोनी के मकान पहुंचे और छानबीन की और परिवार के लोगों से पूछताछ की। सूत्रों के मुताबिक शक के घेरे में रोहित शेखर की पत्नी अपूर्वा भी थी। हालांकि वहां पहुंचे अपूर्वा के पिता ने इन आरोपों को खारिज कर दिया। ये कल्पना ही नहीं कर सकते हैं कि अपूर्वा ये कर सकती है। वही रोहित शेखर की माँ उज्ज्वला शर्मा ने इशारों में रोहित और उनकी पत्नी अपूर्वा के बीच सब कुछ ठीक नहीं होने का भी दावा किया। शादी के बाद से आरंभिक उस स्टेज से ही थोड़ा सा तनाव। मामले की गंभीरता को देखते हुए रोहित शेखर की मौत की जांच क्राइम ब्रांच को सौंप दी गई थी, जिसने जल्द ही पूरे मामले को सुलझा लेने का दावा किया।